अब प्रणाम करो, देह के छूनी ऐसे। कुमाऊं में ये रिवाज है, जब दुल्हन घर के अंदर प्रवेश करती है तो दिल्ली में चावल छिड़क के घर के अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि दुल्हन को लक्ष्मी रूप माना जाता है, इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले वो दिल्ली में चावल छिड़कती है। फिर सासू माँ उसको चावल के भरे हुए परात में बिठा के उसमें सिक्का भी रखा जाता है, क्योंकि घर में धन धान्य परिपूर्ण रहे। उसके बाद दुल्हन को तिजोरी भी दिखाई जाती है ताकि लक्ष्मी जी विराजमान रहे घर में। आपने क्या दिया है, ये है छोटा सा सुंदर सा, बहुत सुंदर सा, ठीक है, हो गया, ठीक है, बात। अब हो गई है सुबह और दुल्हन को घर भेजने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ कोई धारा तो है नहीं, इसलिए बाहर आंगन में ही जो नल लगा है उसमें पूजा की जाएगी। दुल्हन जितना भी पूजा का सामान बचा हुआ है उसको और जो मकुट है उनको धारे पे रखती है और वहाँ से जल का लोटा लेके आती है घर में। फिर उस जल को सारे घर वाले पीते हैं। ये सबसे पहले जल को दे दी है दादी जी को। दुल्हन नहा के रेडी है और जा रही है अपने सास के साथ। पार्लर वाले आ गए इनको तैयार होने के लिए और दीदी ने फ्रूट काटा है उन पार्लर वालों के लिए जो लड़कियां आई हैं उनके लिए। हाय, हेलो पर्सन, ये है हमारे अधिकारी कुल के चिराग, ये छोटे राजकुमार हैं और ये छोटे सरकार। ये हमारी दुल्हन बैठी है और देवर जी किचन में, और मेरी बारी है रोटी बनाने की। मैं रोटी बना रही हूँ ना, रुक जाओ अभी, हटो। हाँ जी, हाँ ठीक है, कितनी रोटी बनाओ, 15? ठीक है। भालू के सर में दर्द हो रहा है तो बीड़ी सर दबा रही है, ये देखो।